Hey guys, welcome back to the channel The Alpha Banker, and my name is Chirag. So guys, finally congratulations to all of you. By heartily congratulations on sare bachcho ke liye jo is bar IBPS PO mein appear hone wale hain, because kal hi raat ko Canara Bank ne 2100 matlab 2100 vacancies ek jhat mein increase kar di hain. Bhai jahan hum itne dinon se pareshan the ki vacancies increase nahi ho rahi hain, jahan hum itne lows the hamari life mein, itne depressed days ke baad finally kal beautiful day aaya. Bhai finally kal hame ek ray of hope mili hai ki bhai IBPS mein bahut zyada vacancies increase ho gayi hain, aur Canara Bank ne ek saath 2100 वैकेंसीज लाके भाई एक झट में 3500 प्लस कर दी हैं IBPS PO की इस बार की वैकेंसीज। भाई अब देखो इस बार का सिनेरियो कितना ब्यूटीफुल हो गया। भाई जहां जो बच्चे इस बार बस 1100 वैकेंसी सोच के परेशान थे, उनका नोटिफिकेशन आने के दो दिन बाद ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने वैकेंसीज बढ़ा दी और वो वैकेंसीज कर दी 1450 अराउंड। भाई 1450 अराउंड वैकेंसीज कर दी थी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने दूसरे ही दिन, और उसके बाद फाइनली कल 2100 वैकेंसीज बढ़ के हो गई है 3500 प्लस। भाई बहुत ही खुशी की बात है कि फाइनली IBPS PO के सारे एस्पिरेंट्स को इस बार फाइट करने का मौका मिलेगा। भाई किसी भी एस्पिरेंट को इस बार अब ये नहीं लगेगा कि भाई सीट कम होने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, बिकॉज सीट्स इस बार बहुत ज्यादा है। भाई अगर 2017 से कंपेयर करें तो उससे भी इंक्रीज हो चुकी है इस बार की वैकेंसीज, तो फाइट करने का मौका इस बार हर उस कैंडिडेट को मिलेगा जो सिलेक्शन के लिए सीरियस है। सो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा व्हाट नेक्स्ट, भाई आगे क्या है। भाई देखो अभी ये वैकेंसीज हो गई है अराउंड 3500 प्लस, अब आगे क्या है। भाई आगे देखो अभी तीन बड़े बैंक्स स्टिल बचे हैं अपनी वैकेंसीज रिपोर्ट करने के लिए। अब वो तीन बड़े बड़े बैंक्स कौन से हैं, एक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक है पंजाब नेशनल बैंक और एक है इंडियन बैंक। भाई ये तीनों बहुत बड़े बैंक्स हैं। भाई अगर इंडियन बैंक की बात करें तो ये साउथ इंडिया का बहुत बड़ा बैंक है, अगर यूनियन बैंक की बात करें तो ये मिड इंडिया का बहुत बड़ा बैंक है, वही अगर PNB की बात करें तो ये नॉर्दर्न इंडिया का बहुत बड़ा बैंक है। तो भाई अगर अभी देखा जाए तो पूरे इंडिया के बड़े बड़े बैंक्स बचे हैं जो अभी रिपोर्ट करना बाकी है। सो गाइज अकॉर्डिंग टू अस द अल्फा बैंकर, हमने पहले भी आपको बोला था कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज दीज वैकेंसीज आर बाउंड टू इंक्रीज। और देखिए कल ही ये प्रूव हो गया है जब एकदम से 3500 प्लस वैकेंसीज हो गई हैं। अब गाइज हम आगे भी आपको ये बता रहे हैं कि दीज वैकेंसीज आर स्टिल बाउंड टू इंक्रीज। भाई ये वैकेंसीज अभी स्टिल एटलीस्ट 5000 प्लस जाएंगी ही जाएंगी इस बार, मतलब इस बार आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। भाई अगर आपकी प्रिपरेशन इस बार स्पॉट ऑन है तो आपका सिलेक्शन होना 100% श्योर है इस बार, बिकॉज इस बार वैकेंसीज बहुत ज्यादा आ रही हैं। गाइस देखो अब नेगेटिविटी का माहौल हर जगह है। भाई देखो जहां इतने सारे डिप्रेस डेज के बाद इतनी अच्छी न्यूज आई है, इसमें भी कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन, कई सारे चैनल्स को मैंने देखा कि वो स्टिल नेगेटिविटी उठा रहे हैं, नेगेटिविटी के पॉइंट्स उठा रहे हैं। भाई वो नेगेटिविटी के पॉइंट्स क्या है उनके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको अगेन कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ गाइस कि आप लोगों के सामने बहुत ही सुनहरा मौका है, बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है जो IBPS आपके लिए पूरी मदद कर रहा है ये करने में, आपका ब्राइट फ्यूचर को इंप्लीमेंटेशन में लाने में। सो गाइस किसी भी नेगेटिव व्यू की तरफ ना बढ़े इस टाइम, बिकॉज नेगेटिव व्यूज बस इसीलिए है बिकॉज वो अपना बेनिफिट सोच रहे हैं इसके अंदर। देखिए गाइस ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, यहाँ आपको जहां से पॉजिटिविटी मिल सकती है वहां से लीजिए, अगर नहीं मिल सकती है जहां से नेगेटिविटी मिल रही है वहां से अपने आपको कट करिए, बिकॉज नेगेटिविटी विल नॉट टेक यू एनीवेयर, इट विल जस्ट टेक यू टू द डेड एंड। भाई अगर आपको डेड एंड हिट करना है तो आप नेगेटिविटी की तरफ जाइए, बट अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप पॉजिटिविटी की तरफ ही रहिए, बिकॉज पॉजिटिविटी से ही आपका सिलेक्शन होगा। सो गाइस फ्रॉम द फैमिली ऑफ द अल्फा बैंकर, वी ऑलरेडी अश्योर्ड यू कि ये वैकेंसीज इंक्रीज होने वाली हैं, जो कि हो गई है, 3500 प्लस वैकेंसीज ऑलरेडी हो चुकी हैं। और अब हम द अल्फा बैंकर फैमिली से आपको ये बता रहे हैं कि ये वैकेंसीज 5000 प्लस होने के बहुत ब्राइट चांसेस हैं, बिकॉज तीन बहुत बड़े बड़े बैंक्स, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन बैंक, इन तीनों बैंक्स ने अभी तक अपनी वैकेंसीज नॉट रिपोर्टेड रखी है। भाई नॉट रिपोर्टेड का मतलब है ये आगे रिपोर्ट करने वाले हैं, और जैसे कल कैनरा बैंक ने 2100 वैकेंसीज एक झट में बढ़ा दी है, वैसे ही ये तीन बड़े बैंक्स भी बहुत सारी वैकेंसीज इंक्रीज कर सकते हैं। तो आपको अपनी प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि भाई इस बार सिलेक्शन आपका होके ही रहेगा। सो गाइस फाइनली इतने दिनों से हमारे पास नेगेटिविटी आ कहां से रही थी, पर नेगेटिविटी का मेन टॉपिक क्या रहा वो था IBPS रीओपनिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन। भाई IBPS ने अपने रीओपन करे रजिस्ट्रेशन इस बार उन सारे बच्चों के लिए जो या तो एलिजिबल नहीं थे लास्ट टाइम अप्लाई करने के लिए एग्जामिनेशन में, या फिर जो बच्चे किसी ना किसी रीजन से अप्लाई नहीं कर पाए। देखो भाई COVID-19 की वजह से हुआ क्या, कई सारे बच्चे ऐसे थे जो अप्लाई कर सकते थे पर नहीं कर पाए, बिकॉज फैमिली इश्यूज ऐसे थे कि भाई उनको कोरोना में बाहर जाने की परमिशन नहीं मिली, एग्जामिनेशन देने के लिए परमिशन नहीं मिली, या घर वाले कॉन्फिडेंट नहीं थे, या वो बच्चे खुद कॉन्फिडेंट नहीं थे बाहर निकलने के लिए।
उसी के साथ कई बच्चे ऐसे थे जो हर साल एलिजिबल होते अगर नॉर्मल क्राइटेरिया रहता, बट इस बार कोरोना की वजह से वो लोग नॉट एलिजिबल हो गए। तो इस बार IBPS ने एक नया स्टेप लिया है जिसमें सारे के सारे बच्चे फिर से अप्लाई कर पाएंगे, फिर से रीओपन हुआ है रजिस्ट्रेशन। सो गाइस देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि भाई नेगेटिविटी का पॉइंट कहाँ उठ रहा है। भाई देखो नेगेटिविटी का पॉइंट यहाँ उठ रहा है कि सबसे पहले हमने जब बात करी IBPS का जब नोटिफिकेशन आया था तब थे अराउंड 1100 वैकेंसीज। भाई 1100 वैकेंसीज में हमें लग रहा था कि इस बार वैकेंसीज बहुत कम है प्लस बच्चे बहुत ज्यादा है। उसके बाद क्या हुआ IBPS ने अपना री ओपन कर दिया रजिस्ट्रेशन, उसमें क्या हुआ हमें लगा कि ऑलरेडी बच्चे बहुत ज्यादा थे, अब 1100 वैकेंसीज में उन बच्चे जिनके साथ हम ऑलरेडी कम्पीट कर रहे थे एक और बहुत बड़ा लॉट आ जाएगा कम्पीट करने वाला, मतलब अभी हमारा कॉम्पिटिशन डबल हो गया। भाई देखो आपका कंपटीशन तो डबल हो गया, नो डाउट आपको इस बार डबल कंपटीशन से फाइट करना पड़ेगा, पर भाई अब ये भी तो देखो जहां 1100 वैकेंसीज थी वो 1100 वैकेंसीज जहां आपका कंपटीशन हुआ है डबल, वहां वैकेंसीज ट्रिपल से भी ज्यादा हो चुकी है ऑलरेडी, और ये वैकेंसीज अभी डबल और ट्रिपल टाइम्स और बढ़ सकती हैं। भाई जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि भाई इस बार 5000 वैकेंसीज के आसपास तक बात जा सकती है, वही गाइस देखो एटलीस्ट 5 गुना तक बात बढ़ सकती है। भाई देखो आपका कॉम्पिटिशन डबल हो रहा है, भाई रीओपनिंग की वजह से नो डाउट आपका कॉम्पिटिशन डबल हो जाएगा, बट आप ये भी तो कंसिडर करेंगे कि भाई आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 गुना भाई 5 टाइम्स तक बढ़ रही है। तो भाई वैकेंसीज मेनी फोल्ड्स बढ़ने के बाद भी अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी प्रिपरेशन में, तो जैसे कि मैं आपको हर बार बोलता आया हूं कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन में ही कॉन्फिडेंट नहीं है तो चाहे एक सीट हो चाहे 1000 चाहे 1,00,000 आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है अगर आप खुद में कॉन्फिडेंट नहीं है। सो गाइस जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था अपने IBPS वाले एग्जामिनेशन का कि अगर उस साल एक सीट भी होती तो मैं उस एक सीट के लिए भी फाइट करने वाला था, बिकॉज आई वॉज डैम श्योर कि चिराग चोपड़ा इज मोर देन सफिशियंट टू क्रैक दैट ओनली वन सीट जो कि IBPS लेके आया है। तो अगर मेरे सामने 1000 या 1100 या 5000 सीट्स हुए तो सोचिए मेरे सिलेक्शन होने के चांसेस कितने ज्यादा बढ़ जाएंगे। सो गाइस आपको वो 5000 सीटों के लिए फाइट नहीं करना है, आपको फाइट करना है उस एक सीट के लिए जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, जिसके लिए आपको पता है कि आपको वो सीट मिलनी जायज है, आपका सिलेक्शन होना जायज है, बिकॉज आपकी जो प्रिपरेशन है वो उस लेवल की है कि वो उन 500,000 या 1,00,000 बच्चों में से आपको सबसे आगे खड़ा करती है। सो गाइस देखिए नेगेटिविटी का पॉइंट बिल्कुल नहीं है IBPS की रीओपनिंग, बिकॉज जहां IBPS ने रजिस्टर्स रीओपन करे हैं वहां वैकेंसीज भी इंक्रीज हो रही हैं। तो आप दोनों बातों को कंसीडर करके चलिए, भाई जहां से आपको नेगेटिव पॉइंट्स मिल रहे हैं आई विल हाईली सजेस्ट यू कि अपने आप को वहां से कट करिए, वहां से दूर हो जाइए। सो गाइस जहां ये IBPS की रीओपनिंग रजिस्ट्रेशन वाला मुद्दा उठा, वहां पे एक नया मुद्दा उठने लग गया है, दैट शुड वी थिंक अबाउट प्रोटेस्ट। भाई प्रोटेस्ट की तरफ हमें बढ़ना चाहिए कि नहीं? भाई प्रोटेस्ट का मतलब क्या है? धरने देना, नारे लगाना, ट्विटर पे हैशटैग वॉर चालू कर देना, इंस्टाग्राम पे हैशटैग वॉर चालू कर देना, फेसबुक पे हैशटैग वॉर चालू कर देना, यूट्यूब पे नेगेटिव पब्लिसिटी करना, भाई यही करेंगे ना प्रोटेस्ट में। इससे फायदा किसका है? इससे किसी भी कैंडिडेट का फायदा है? क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे तो IBPS जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बॉडी आपके सामने झुकेगी? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज गाइज IBPS एक ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है। भाई IBPS एक ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है विदाउट ब्रेन। भाई IBPS के पास दिमाग नहीं है, IBPS एक बॉडी है, दिमाग कहीं और है। तो भाई ब्रेन्स कुछ और है, आप बॉडी को तो झुका लेंगे पर ब्रेन्स को नहीं झुका पाएंगे। सो गाइज आपको एक ऑर्गेनाइजेशन से नहीं लड़ना है, आपको लड़ना है तो बस उन सारे बच्चों से जिनसे लड़के आपको वो एक सीट मिलेगी जो आपका और आपके घर वालों का सपना है। भाई आपको अपने सपने पूरे करने हैं या किसी और के सपने पूरे करने हैं? गाइज देखिए मैं द अल्फा बैंकर पे हमेशा से बोलता आया हूँ कि प्रोटेस्ट से किसी भी कैंडिडेट का कभी कुछ भला नहीं हुआ। सी गाइज हम जो हमेशा से बात करते हैं कि भाई SSC वाला प्रोटेस्ट कितना फ्रूटफुल हुआ या कितना बेनिफिशियल हुआ, उसी के साथ रेलवे वाला प्रोटेस्ट कितना फ्रूटफुल हुआ या कितना बेनिफिशियल हुआ, गाइज देखिए ये सारे प्रोटेस्ट बेनिफिशियल थे, बट ये अगर बेनिफिशियल 1% किसी स्टूडेंट के लिए थे, किसी कैंडिडेट के लिए थे, तो 100% बेनिफिशियल उन सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए थे, आपके सो कॉल्ड मेंटर्स के लिए थे जो आपको यहाँ पे पॉन्स बनाते हैं, आपको बलि का बकरा बनाते हैं, खुद प्रोटेस्ट में आपको आगे करते हैं, खुद पीछे रहते हैं और आपके थ्रू पैसा कमाने की पूरी कोशिश करते हैं, भाई आपको पैसा कमाने की मशीन बना देते हैं। गाइज देखिए अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू माने, भाई अगर आप द अल्फा बैंकर का पॉइंट ऑफ व्यू मानते हैं, अगर आप अल्फा बैंकर को 1% भी फॉलो करते हैं, सो गाइज आई विल हाईली कि आप प्रोटेस्ट से दूर रहें। गाइस देखिए अब हाई टाइम आने वाला है, गाइस अब टाइम आने वाला है जब हर जगह एक ही आग लगेगी, जब हर जगह यही आग उठेगी कि हमें प्रोटेस्ट करने हैं। गाइस आपको उस सारे लोगों से दूर रहना है, उस सारी आग से दूर रहना है, बिकॉज गाइस याद रखिए जो बच्चे इस बार प्रोटेस्ट की तरफ बढ़ेंगे ना, वो इस बार अपने सिलेक्शन से उतना ही दूर बढ़ेंगे।
प्रोटेस्ट से आपको दूर रहना है जिससे आप सिलेक्शन के पास में रहें। गाइज प्रोटेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए इस पर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखा है जो अल्फा बैंक के चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जिसपे हमने डिटेल में डिस्कस करा है कि प्रोटेस्ट कैसे कैंडिडेट्स के अगेंस्ट जाते हैं, कैसे कैंडिडेट्स का भला करने के नाम पे उन्हीं को बलि का बकरा बनाया जाता है और कैसे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस और सो कॉल्ड मेंटर्स आप लोगों को बेच के आप लोगों से ही पैसे कमाते हैं। सो गाइज देखो, जहां इतनी सारी बातें हो गई है वहां एक मेन पॉइंट रह गया है कि भाई व्हाट विल बी द कट ऑफ नाउ, भाई फाइनल कट ऑफ इस बार क्या रहेंगे। गाइस देखो, अब रीओपन हो चुके हैं सारे के सारे रजिस्ट्रेशंस, तो इस बार हमें अब कट ऑफ के बारे में नहीं सोचते हुए हम आगे बढ़ना है मेंस की प्रिपरेशन की तरफ। गाइस देखो, कट ऑफ हमारे हाथ में नहीं है, जो चीज हमारे हाथ में है वो है हमारी मेहनत, वो है हमारा हार्ड वर्क, वो है हमारा स्मार्ट वर्क और वो है हमारी प्रिपरेशन। तो क्या हम अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दें या हम कट ऑफ पे ध्यान दें? गाइस ये देखो, इसका आंसर आप लोगों को भी पता है और आपको भी दिल में पता है कि आपको क्या करना चाहिए इस टाइम। भाई किसी भी चीज की तरफ ना बढ़े, भाई किसी भी प्रोटेस्ट की तरफ, किसी भी आंदोलन की तरफ, किसी भी शूशा की तरफ आपको नहीं बढ़ना है। आपको बस एक ही चीज करनी है, वो है अपनी प्रिपरेशन और अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। सो गाइस देखिए, अगर कट ऑफ की बात करें तो इस बार का कट ऑफ अब कोई भी इंसान डिसाइड नहीं कर सकता। सी गाइस, जहां तक मैं आपको बता सकता हूं कि कट ऑफ अराउंड 55 ही रहेगा, बिकॉज एग्जामिनेशन का लेवल वैसा ही रखेंगे ये लोग जैसे उन्होंने लास्ट टाइम रखा था। अगर वैसा ही रखते हैं तो अराउंड 55 रहेगा कट ऑफ। कट ऑफ बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, वो अब री एग्जामिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। गाइज देखिए, री एग्जामिनेशन को लेके बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज है, तो उनको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। भाई देखो, री एग्जामिनेशन बस उन्हीं बच्चों के लिए ओपन हो रहा है जो लास्ट टाइम या तो एलिजिबल नहीं थे या जो लास्ट टाइम फॉर्म नहीं फिल कर पाए। भाई जो बच्चे ऑलरेडी फॉर्म फिल कर चुके हैं तो वो लोग एग्जामिनेशन में इस बार रीअप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। भाई ये वाला एग्जामिनेशन एडिशनल एग्जामिनेशन है, रीएप्लीकेशन का एग्जामिनेशन नहीं है। भाई एडिशनल एग्जामिनेशन मतलब भाई आपका स्कोर इंप्रूव करने के लिए एग्जामिनेशन नहीं हो रहा कि अगर आपको लगता है कि आपका लास्ट टाइम स्कोर अच्छा नहीं रहा तो आप इस टाइम इंप्रूव कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एडिशनल एग्जामिनेशन है उन सारे बच्चों के लिए जो लास्ट टाइम अप्लाई ही नहीं कर पाए। तो जो अप्लाई नहीं कर पाए वो इस बार जाइए, अप्लाई करिए, रजिस्ट्रेशन की विंडो ऑलरेडी ओपन है, अप्लाई करिए और उसके बाद आपकी प्रिपरेशन के लिए द अल्फा बैंकर आपके साथ हमेशा खड़ा है। सो गाइज, इतने सारे डिस्कशन के बाद आई एम डैम श्योर कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर स्टिल आपके कोई ना कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ सकते हैं। उसी के साथ अगर आपको लगता है कि आपके डाउट्स बड़े हैं तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है। इसी के साथ हम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे, इन सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी अवेलेबल है। तो आप जिस भी नेटवर्किंग साइट पे द अल्फा बैंकर को फॉलो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। उसी के साथ आप जहां भी हमसे अपनी क्वेरी पूछना चाहते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, अपने डाउट्स पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, और द अल्फा बैंकर हमेशा खड़ा है आप लोगों की हेल्प करने के लिए। सो गाइज, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए द अल्फा बैंकर को, भाई इसी तरह प्रमोट करते रहिए द अल्फा बैंकर को। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई देन डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर आप नए हैं इस चैनल पे देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल, और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी सारी उम्मीदों पे खरा उतर पाए और आपकी सारी प्रिपरेशन में अपनी तरफ से बेस्ट दे पाए, जिससे आप और हम साथ में ग्रो करें। गाइज देखिए, आपके प्रिपरेशन में हम पूरी मदद करेंगे, मतलब आपको इंटेलेक्चुअली बड़ा करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं, बट हमें सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे बड़ा करने के लिए और हमें यूट्यूब पे बड़ा करने के लिए अब आपको आगे आना है। गाइज हमें प्रमोट करने के लिए अब जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है अब उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है। सो गाइज, कीप प्रमोटिंग अस, कीप स्प्रेडिंग अस। जिस भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे आप एक्टिव रहते हैं उस पे प्रमोट करिए द अल्फा बैंकर को। गाइज स्टेटस लगाइए, इस वीडियो का लिंक सारी जगह शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स को बताइए, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिलीज को बताइए कि द अल्फा बैंकर करके एक चैनल है जो आपको इतनी मदद कर रहा है आपकी प्रिपरेशन में। सो गाइज, टेक केयर टिल द नेक्स्ट वीडियो। साइनिंग ऑफ, माय नेम इज चिराग चोपड़ा। अपना ध्यान रखिए और घर में रहिए।